नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीए के बारे में। जी हाँ भाई, वीए के बारे में सबसे ज़्यादा जॉब में सैलरी कौन से में मिलती है। जी हाँ, आप भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुबई में रहते हैं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तनख्वाह कितनी है। हाई रेंज की जॉब की बात कर रहा हूँ भाई मैं। 8-10 जॉब ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई सैलरी होती है। जी आप भी जानना चाहेंगे, जितनी जानकारी मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा दूँ। लेकिन वीए दुबई की एक खासियत मैं बता दूँ क्या भाई, सैलरी एक बंदे की अगर 5,000 दराम है, मान लीजिए वही आदमी वही जॉब दूसरी कंपनी में काम कर रहा है 10,000 दराम है, इतना डिफरेंस आ सकता है। तो ये वीडियो देख के हो सकता है मेरे बोलने से कि नहीं नहीं झूठ है, दुबई एक ऐसी कंट्री की भाई एक बंदे की सैलरी आधी है, उसी बंदे को उसी जॉब में दूसरी कंपनी में डबल तनख्वाह मिल रही है। ये वीए में एक कमी मान सकते हैं या फिर कुछ भी मान सकते हैं या फिर उनका एक्सपीरियंस होता है। दुबई एक ऐसी कंट्री है कि जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने होते जाओगे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको और आप कंपनी बदलते रहते हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखिए, एक अकाउंटेंट वहाँ पे 10,000 दुबई दराम पे भी काम कर रहा है, वही अकाउंटेंट वहाँ पे 50,000 महीने का भी उठा रहा है। जी हाँ, ये ऐसी कैसा हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है। मैं एक सिर्फ आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि इन जॉबों में हाई सैलरी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया वही मिलेगी, ऊपर नीचे 100% होता है सबके साथ। जी हाँ, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हाई रेंज में सैलरी में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियर। जी हाँ, ये हालांकि हाई रिस्क वाले जॉब होते हैं। जी हाँ, केमिकल से रिलेटेड और पेट्रोल से रिलेटेड आप समझ गए होंगे। तो तनख्वाह भी भाई इनकी लाखों में होती है, आप कितना समझ सकते हैं, कितने आप अंदाज करके नीचे कमेंट करना कि इनकी तनख्वाह कितनी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, जी हाँ ये एक महत्वपूर्ण पद होता है सरकार की तरफ से, यानी आप एक सुरक्षा कवच से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड ये पद होता है, इसमें भी तनख्वाह लाखों में होती है। जी हाँ, दराम की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी नीचे अगर आप हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि और लोगों को भी पता लगे कि लोग यूरोप के चक्कर में भाग रहे हैं जबकि वीए में भी बहुत सारी तनख्वाह इन जॉबों में मिलती है। जी हाँ, डॉक्टर्स आपको पता है अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, 50-60-70 हज़ार दराम महीने से लेके लाख से ऊपर चली जाती है। जी हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस, जी हाँ ये एक अलग होता है जो वित्तीय सलाहकार बोल सकते हैं, विशेषज्ञ बोल सकते हैं, जो अपने इंडिया में भी सरकार की तरफ से हायर किए जाते हैं, वो सरकार को समय समय पर डायरेक्शन देते रहते हैं, उनकी तनख्वाह भी भाई लाखों में होती है। जी अगर आगे बात करें तो ऑपरेशन मैनेजर, जी हाँ इसकी तनख्वाह कितनी हो सकती है भाई, एक इंपॉर्टेंट पद होता है और जहां तक लगता है लाख दराम महीने से ऊपर इनकी तनख्वाह हो सकती है। जी हाँ, बाकी डिपेंड करता है आप नए हो पुराने हो कितने हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट में बात करें तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, जी हाँ अब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मान लीजिए एक अरबपति करोड़पति आदमी है, वो अपने बंदे को भेज देता है किसी भी देश में या फिर कहीं पर भी, तो वो डेवलप करता है पूरे सिस्टम को मैनेज वो करता है, तो उसकी तनख्वाह कितनी हो सकती है। एक कंपनी अरबों में करोड़ों में काम कर रही है तो उसकी तनख्वाह मैनेजर की कितनी हो सकती है, सोच के समझ में आ जाना चाहिए। लाख दराम महीने से ऊपर तो नॉर्मली मिलती है, कम से कम बता रहा हूं मैं, बाकी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, लाख दराम 20 लाख रुपए महीना बनता है भाई, ज्यादा नहीं है। अब आप लोग नीचे कमेंट करने लग जाओगे लेकिन ये रियलिटी है, जो कमा रहे उनको मिल रहा है। जी हाँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर, जी हाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर की तनख्वाह कितनी हो सकती है। प्रोजेक्ट इंजीनियर देखा जाए तो अपने इंडिया में भी है, इंडिया में भाई इसका स्कोप बहुत कम है, तनख्वाह बहुत कम मिलती है। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैंने मेरी आंखों से देखा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड आ जाता है, तो ये 5,000 में भी लोग वहाँ दुबई में शुरुआत कर लेते हैं और आप यकीन मानिए 50,000 दराम भी महीने का ये लोग कमा रहे होते हैं। जी हाँ, जिसमें दो बंदों से जिनकी 25-25 हज़ार दराम तनख्वाह महीने की है उनसे तो मेरी बात हो चुकी है। जी हाँ, बाकी उन लोगों को सिर्फ 10 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल उन्होंने ये बताया था कि हम 4,000 दुबई दराम में आए थे, अभी हमें 10 साल हो गए, हमारी तनख्वाह 25,000 दुबई दराम है। जी हाँ, लेकिन जिनको 15 साल 20 साल जिनको ज़्यादा टाइम हो गया, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनकी तनख्वाह आप समझ सकते हैं कितनी होती है। जी सिविल इंजीनियर आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी होते हैं, सिविल इंजीनियर आपको सबको पता है आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं उनकी तनख्वाह कितनी है। हो सकता है नया है उसकी तनख्वाह कम है, लेकिन जो पुराना जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है उसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार दुबई दराम से जाता है, कई तो लाख रुपये क्रॉस कर जाते हैं। जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जी हाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है भाई, इसमें जो इंजीनियर से रिलेटेड है ना लगभग सेम ही सैलरी होती है इनकी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर,
इसकी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर सेम ये प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियर होता है। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो अकाउंटेंट भी एक किसी भी ऑफिस का महत्वपूर्ण भाग होता है, उसी से शुरुआत होती है, लेकिन इसमें तनख्वाह अकाउंटेंट में कम मिलती है। दुबई में मैंने देखा है अकाउंटेंट 5,000 में भी काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट 10,000 में भी हैं, लेकिन अकाउंटेंट वही अकाउंटेंट 40,000 दराम भी उठा रहा है और 35-50,000 दराम भी उठा रहा है। वो डिपेंड करता है कंपनी और उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से। जी हाँ, बस ये एक मोटा मोटा आइडिया मुझे को देना था। अगर आप इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, इसी कैटेगरी में हैं, तो आप यूएई आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, उसके बजाय आप यूरोप देशों में जाने की सोचते हैं। जी हाँ, तो यूएई एक अच्छा माहौल और अच्छी तनख्वाह अपने लोग मिले हैं, तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।